हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दूधनगरी टेम्पल, जो कि पड़ता है रानीखेत से 47 किलोमीटर, और टाइम लगता है करीब 1.5 घंटा। और इस समय रानीखेत का वेदर चल रहा है 11 डिग्री, और काफ़ी बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी, कल तो ओले पड़े हुए थे, और ठंड काफ़ी है। गर्म कपड़े हम लोग लाए नहीं, तो जो गाँव में पड़े हुए थे उन्हीं से काम चला रहे हैं इस समय। तो भाई, अब सब लोग बोलेंगे एक साथ जय माता दी। बोलो माता रानी की जय। तो निकल पड़े हैं हम लोग कहाँ के लिए? दूधनगरी टेम्पल। और सब ने कुछ खाया नहीं अभी सुबह से, सिर्फ चाय पी है और सीधे निकल रहे। हाँ भाई, रानीखेत तो पहुँच गए, अब बताओ क्या खाओगे रास्ते में? हल्का फुल्का समोसे, छोले समोसे। ये रहा गोल्फ ग्राउंड। गोल्फ ग्राउंड नहीं है, फिर क्या है? ये नाश्ता, कौन कौन नाश्ता करेगा? जल्दी बता, जल्दी। अभी नहीं, जब पहले मंदिर आके खाएंगे। चल ठीक है, चल ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, मैं करूँगा नाश्ता, तो किसी को भी नहीं दूंगा अभी। ठीक है भी, ओके डन। आज से 13 महीने पहले यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो आज फिर 13 महीने के बाद यहीं दोबारा आया हूँ दूधनगरी टेम्पल पे। कितनी सारी घंटियाँ ना, ये सब जिनकी जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, लोगों ने घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाई हैं। आ जा भाई, ये क्या पास है? काफी प्राचीन मंदिर है ये, माता दूधनगरी का मंदिर, और शक्तिपीठों में ये मंदिर आता है। लोगों ने अपनी चुनरियाँ बांधी हुई हैं, जिन्होंने मन्नतें मांगी हुई थी, और मन्नत पूरी होने के बाद दोबारा आना पड़ता है यहाँ पे। कोई भी चुनरी खोल के चले जाओ आप यहाँ पे। बहुत तेज बारिश हो गई है, तो बहुत तेज बारिश हो गई। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं, अब बारिश बहुत तेजी पर रहते हैं। भाई पैर बड़े ठंडे हो रहे हैं यार। ओहो, पैर बड़े ठंडे बर्फ की तरफ। जय माता दी। ये ओले पड़ गए यहाँ पे, और टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ये ओले पड़ गए, ये सामने पूरे ओले की ज्यादा बिक रही है, ओले बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। ओए
बाप रे बहुत तेज बिजली कड़ गई यहाँ पर। अभी ओले पड़े हुए हैं, पता चला कि थोड़ी देर के बाद बर्फ भी पड़ जाएगी यहाँ पर। अभी मार्च का महीना है, ये हाल है। ये देखो जी, मार्च के महीने में और जो मंदिर है दुर्गागिरी मंदिर, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी जो पर्वत उठा के लाए थे द्रोणाचल पर्वत, तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे गिर गया था। और इसके आसपास एरिया में बहुत ही जड़ी बूटियाँ ही पाई जाती हैं, तो यहीं पे तभी माता का यहाँ पे स्थापना हुई, तो इसको बोलते हैं दूनागिरी टेम्पल। इस प्रकार से मन्नत मांगी जाती है यहाँ दूनागिरी मंदिर में। अगर आप कोई भी मन्नत लेके आएंगे तो माता रानी के दरबार में कहा जाता है कि वो मन्नत जरूर पूरी होती है। तो दुर्गागिरी टेम्पल से हम सीधे आ गए चौखटिया, हमारी बहन जी रहती है यहाँ पर, तो यहीं रुकेंगे आज। तो यहाँ पर आज इतनी ठंड लग रही, तो मैंने जला दी आग। ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई आज से यार।